अमृतसर पेज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। फील योरसेल्फ होम, मैं हाँ प्रियांशु शर्मा। कुछ साल पहला पंजाब के प्रसिद्ध गायक गुरदास मान जी का एक गीत आया सी, जिसके बोल सन रोटी हक दी खाइए जी भावें बूट पालशा करिए। यह भगतियां नू अज एक नौजवान सिद्ध करके विखा रहा है कि कोई काम कदे भी छोटा नहीं हुंदा, कोई काम करने की कोई उम्र नहीं हुंदी। जी हाँ, अज असीं पहुंचे हैं सैलीब्रेशन मॉल के बिल्कुल सामने, जिथे कि एक चाह का स्टॉल है जिसका नाम है राइडर्स चाह वाला, जिहड़ा कि 25 साल नौजवान दे कोलों चलाया जाता वा। तुहानूं दस दईए करांगे इहनां नाल गलबात ते जानांगे की है इहनां दी चाह दे विच खासियत। हाँ जी, की नाम तुहाडा पहले? सर मेरा नाम विपन है। विपन जी, तुहाडा अमृतसर पे न्यूज़ ते बहुत बहुत स्वागत है। असीं तुहानूं कुछ जानना चाहांगे राइडर्स चाह वाला, यह नाम तुहाडे दिमाग च किवें खटकिया कि यह तो बहुत ही यूनीक नेम है, किसी ने भी अज तक नहीं रखा होना? सर राइडर चाह वाला सर मैं इस वजह रखा, मैनू ना मैं राइडिंग वगैरह करता। ओके। तो मेरे फ्रेंड्स लोग राइडर भैया करके बुलाते, तो अचानक मैं ना जिस दिन मैं स्टॉल आया अपना चाह का, उस दिन मैं सोच रहा यार मैं की नाम रखा अपने ना चाह का नाम, सारे फ्रेंड्स लोग। तो अचानक मेरे फ्रेंड आया जो मैंने बहुत चंगी तरह जानता, वो कहता राइडर भैया दो कप चाय कर देना। तो मैं यार राइडर भैया, मैं उसी दिन सोच रहा यार अपना यार नाम ही राइडर चाय वाला रख रहा, मैंने राइडर राइडर हम तो जानते सारे राइडर चाह वाला ही रख लिया। तो इस वजह तो अपना स्टार्टअप एक राइडर चाह वाले का स्टार्टअप इस तरह होगा कि अपना राइडर चाय वाला रखना। यह सोच किस तरह आई दिमाग से, जिस तरह कि तुम 25 साल नौजवान हो तो 25 साल नौजवान कोई भी काम कर सकता, लेकिन यह सोच किस तरह आई कि आप एक चाह का स्टॉल ही खोल लिए? सर मेरा इस चाय का स्टॉल एक बहुत वधिया काम है, लोगों को छोटा लगता है, बहुत वधिया काम है ये, क्योंकि ना हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है चाह तुहानू पता हर कोई पींदा है, हर फास्ट फूड रोज़ कोई नहीं है, मैं फास्ट फूड लाता तो रोज़ कोई खा नहीं सकता, कोई ना कोई आता उस टाइम ना। सर कहते अलग चीज़ लिया, मैं सोचा अलग थीम लियाव, जिमें नाम रख्या अलग है राइडर चाह वाला, तुम कह रहे हो गेंद राइडर चाह अलग लगा, उस समय मैं ना काम भी ओहो जहा करा, तो मैं चाह का काम इसलिए सब काम गेंद अपना जिम्मे चाह कुल्लड़ हैगी है, तंदूरी चाह है सर एक हाइजीनिक चीज़ हैगी है, वन टाइम यूज हैगी है, जिन्ना भी हर कोई गेंदे आ, जे पुराने जमाने के तुहानू पता मिट्टी बर्तन से खाना बनता है, मिट्टी से सब कुछ बनता है। तो मैं आज पुरानी जनरेशन लैके ना पुराना टाइम लैके ना उस चीज़ को अगे लैके आ रहा हूँ, क्योंकि ना अजकल हर कोई कोविड चल रहा, अजकल तुम्हें पता हर कोविड चल रहा है, तो अगे कहते कई लोग बीमार पै रहे हैं यार, जिन्ना के अपने कहते जो चीज़ पुरानी लिया सके, जिन्ना के हो सके पुरानी लै सके उन्ना के अं अगे वध के कहते अपना आपू प्रमोट कर सकी। स्टडीज़ भी परस्यू कर रहे? हाँ जी, परस्यू चल रही है अपनी, कहते परस्यूटिंग चल रही है अपनी, एमटेक चल रही है मेरी सर, मेरे कहते आर्किटेक्चर प्लान है। जिस तरह तुम देख सकते हो 25 साल नौजवान एमटेक कर रहा है, तो राइडर्स चाय वाले के नाँ के नाल अपना एक कारोबार भी चला रहा है, एक बहुत वधिया उपराला कर रहा है कि कोई काम छोटा नहीं हुंदा कभी भी, हर काम करन दे विच सिर्फ एक जज्बात चाहिए हुंदे हन। करांगे इन्हां दे नाल होर गलबात। हाँ जी सर, तुम तंदूरी चाह बनाउण दा ही क्यों उपराला किया? सर तंदूरी चाह पूरे अमृतसर भी मिलनी बड़ी औखी है, मैं भी मिलती भी नहीं होनी, तो इस वजह तो यार मैं चीज़ अलग ही करनी है। तो यार तंदूरी चाह मैं लखनऊ च पी गया, तंदूरी चाह लखनऊ से पीती मैं यार, बड़ा वधिया लगा मैंने सर यार तंदूरी चाह की आते यार इन्ना वधिया टेस्ट यार, मैं सोचा यार मैं कभी इतने आप सोच रहा यार इतने मिले उन्हें, तो हूँ मैं सोच रहा कि बिजनेस करना तो मैं यही करना, तो तंदूरी चाह हर कोई पी, मैं तरसन दिया कई होर ही तरसन दे होने, तो कई पता भी नहीं उन्होंने भी पता लगेगा। बिल्कुल। तो इस वजह तो तंदूरी चाह मैं स्टार्टअप का मेरा रीजन है ही खुद टेस्ट करके तो कहते अपने आप दूजे दिखा सकता, दूजे भी टेस्ट करा सकता। जो देखो राजस्थान सब तो मेन पॉइंट है, राजस्थान से स्टार्टअप होया है, तो राजस्थान में एक बार कहते पायटेक से भी पीती, तो यार पायटेक से इन्ने कस्टमर्स आ रहे हो, उसको इन्ने ज़्यादा कस्टमर आ रहे यार, हर कोई कस्टमर कहते पायटेक से तंदूरी चाह और कोई इन्हों खा नहीं रहा, तो मैं भी सोचा यार कहते तंदूरी चाह का ही काम खोल लिया यार, हर कोई टेस्ट करना चाह काम खोल लिया, आज मैं कहते रिस्पॉन्स बहुत वधिया मिल रहा है, हर कोई पीना चाह रहा तंदूरी चाह मेरी, तो इसे तो ना अज राइडर चाह वाले हर कोई मैनू, मैं जॉब करदा तो मान के चलो मैं कोई जॉब करदा, मैंने कोई जानता नहीं, भाई मैंने छोटा भी चाहे वड्डा भी हर कोई जानता तो है ना मैं अच्छे, तो कहते मैं जो कोई राज जा रहा वो राइडर भी आ और क्या हाल चाल है, मैं बड़ा रिस्पैक्टफुल कहते चाह वाले वर्गिया ना कहते यार कहते अपने बोलते थोड़ा उच्चा नहीं, कोई भी नहीं सर करके मेरे ना गल करते हैं, हर कोई मैं कहते वधिया कहते राइडर भी आ दो चाहे, इवें मैं बहुत वधिया नाम तो बड़ा वधिया फील हुंदा कि मैं चाह का काम कर रहा, मगर ये छोटा फील नहीं होता चाह का काम कर रहा। असं तुहाडे कोल भी जानना चाहते कि प्राइजिस की रखे हुए हैं, कि वरायटी की चाह तुहाडे कोल मिल जाती है? सर प्राइजिस के नाम से जी प्राइजिस मेरे स्टार्टअप है वा कहते 20 रुपए कप है,
ठीक है, तो उस तो बाद तंदूरी चाय 30 रुपए कप है, तो फ्लेवर चाय 40, ठीक है। फ्लेवर मेरे को हैगी है जिम्मे तंदूरी चाय हैगी है, बटर स्कॉच चाय हैगी है, बटर चाय हैगी है, और पान चाय हैगी है, चॉकलेट चाय हैगी, चोको तंदूरी चाय हैगी है, सब 40 रुपीज़ दे। हाँ जी, नहीं 40-30 के अंदर। असं भी इस चाह का लुत्फ उठावे तो तुम्हें भी दसा कहो जी है तंदूरी चाय, तो भैया एक हो जाए एक कप। हाँ जी हाँ जी, जरूर सर जरूर। तो तैयार हो जा रही है साड़ी तंदूरी चाह, जिस तरह की तुम देख सकते हो फ्राई पैन के दुध पै गया है। तो भैया दुध तुम रोज़ सवेरे लैके आते हो, तो इसकी लागत के नाल कोई नुकसान का तो नहीं है? गल नहीं सही, लागत मेरे कोई नुकसान नहीं हो रहा, जिन्ना कि अपना दुध लिया मेरा सारा निकल जाता है, उस तो दोबारा फिर मंग लिया पैंता मैं। पत्ती मैं अपना ही तैयार करता खावा कि बाहरों मंगाया खुली पत्ती लाना, उन्होंने अपने फ्लेवर पा पा के मैं अपनी तैयार करता। सर अपने दिल्ली से मंगाना, अपना फ्रेंड है ये पत्ती पा चुके हैं। चीनी अपनी नॉर्मल ही है। सौंफ है, सौंठ है, और भी कई तेन कि मात्रा च पा देंगे एक कप चाह की जो गल करिए? एक कप चाह दे सर की कहते अपना छोटा चम्मच। तो हम सर साड़ी चाह तैयार हो चुकी है। कूलर नु गर्म करन दी भी कोई मात्रा होंदी सर? हाँ रेड हो जाए ताही हो जाए तक के गेंदे नु गर्म रहन दे, नहीं तो सारा रेड होता है। हाँ मतलब यहाँ का चाय मैं और जगह भी चाय पिया था, बट यहाँ मेरे को अच्छा लगा, मतलब इनका टेस्ट, इनका क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, सो आई एम डेली कंटिन्यू माय रूटीन, मैं अप्रॉक्स 2 या 3 कप्स ऑफ टी डे बाय डे एंड वेरी नाइस टी। सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा इनका फ्लेवर जो भी है तंदूरी का ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो सो दैट्स व्हाई आई एम प्रीफर माई सेल्फ। आई सी माई आईज यार, बिकॉज आई एम डूइंग वर्क कोटियाड बाई मैरियट राइट नाउ, सो एवरी डे आई एम मूविंग दिस वे, सो आई कैन सी माई आई, सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग टी एंड समथिंग लाइक दैट। आपको इनका स्वभाव कैसा लगा, अगर व्यवहार की बात करें तो वो कैसा? हाँ सर व्यवहार स्वभाव कैसा? व्यवहार ना एक्सीलेंट, ही इज़ वेरी एक्सीलेंट गाई सर। तो दोस्तों ये साड़ी तंदूरी चाह हो चुकी है तैयार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, तुहाडा अपना कीमती समा दिता, तो
ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਾਤਰ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ ਚਾਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਰਾਈਡਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਚਖੋ ਤੰਦੂਰੀ ਚਾਹ ਦਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।